सीएबी और एनआरसी की प्रोटेस्ट घटने के बजाय बल्कि और बढ़ रही हैं। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के अलावा कई और जगह जहां इतना मीडिया अटेंशन नहीं मिलता, उधर भी ऐसी प्रोटेस्ट फैल गई हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, बिहार के राजीगंज और नागपुर में भी, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, उधर भी ये प्रोटेस्ट देखने को मिली है। सेक्शन 144 कई जगहों पर लगा दिया गया था, टेलीकॉम सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी और टीवी चैनल्स को एंटी नेशनल एक्टिविटीज ना दिखाने के लिए एक एडवाइजरी भी दी गई है। इसके अलावा कई जगहों में एक्सेसिव फोर्स यूज की गई है प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। इन प्रोटेस्ट की वजह से मोदी सरकार की इमेज खराब हो रही है। कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल्स लिखे हैं मोदी सरकार के अगेंस्ट में और उनकी ऐसी पॉलिसीज की आलोचना करी है, पर इसके बावजूद हमारी सरकार ने अपनी लाइन नहीं चेंज करी। इनफैक्ट अमित शाह और बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो एनआरसी और सीएबी को आगे तक लेके जाएंगे। ये उस वातावरण में है जहाँ हमारी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत हाई है, किसानों के पास पैसा नहीं है और विमेन भी सेफ नहीं है। इसलिए एक क्वेश्चन जिस पर हमें ध्यान जरूर देना चाहिए और बहुत लोग नहीं दे रहे, वह कि इस चीज़ से, सीएबी और एनआरसी से, बीजेपी का क्या फायदा होने वाला है। अब इस प्रश्न का एक आंसर हो सकता है कि ये बस हमारा ध्यान बटाने के लिए है कि सीएबी और एनआरसी से पूरे देश का फोकस इकोनॉमी से बल्कि इस हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर जा रहा है, पर यह बहुत ही सिंपलिस्टिक आंसर है। ये प्रश्न की गहराई तक नहीं जा रहा। बीजेपी का एनआरसी और सीएबी से इलेक्टोरली और पॉलिटिकली फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में बीजेपी इस एनआरसी और सीएबी इशू को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकती है आने वाले वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्शंस के लिए। अगर आपको 2019 के इलेक्शन रिजल्ट्स याद हैं तो तब बीजेपी ने अपनी सीट्स इंक्रीज करी थी 2 से 18, और उनकी मेन स्ट्रैटेजी ये थी कि वोटर्स को बताना कि बीजेपी हिंदूज की पार्टी है और टीएमसी मुस्लिम्स की। इसी वजह से बीजेपी ने अपना वोट शेयर इंक्रीज किया था हिंदूज में, स्पेशली बांग्लादेशी हिंदूज में जो नॉर्थ बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड थे। और शायद इसीलिए अगर आप इस मैप को देखोगे तो नॉर्थ बंगाल की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी ने स्वीप कर दिया था, और बीजेपी ऐसा ही करना चाहिए 2021 में। एक कम्युनिटी जिसको बीजेपी ने टारगेट किया था लोकसभा इलेक्शंस में और फिर करेंगे स्टेट इलेक्शंस में, वो है मतुआ कम्युनिटी। ये हिंदूज हैं जो बांग्लादेश से आ रहे हैं इंडिया में 1971 से, पर वो अभी भी स्टेटलेस हैं। बीजेपी चाहती कि सीएबी के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाए और फिर ये कम्युनिटी बीजेपी की साइड हो जाए। ये कम्युनिटी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि इनकी 17% पॉपुलेशन है बंगाल में, और करीब 60 से 70 सीट्स में ये बहुत की रोल प्ले कर सकते हैं। बीजेपी इनके अलावा सारे ही बांग्लादेशी हिंदूज को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा था कि वो बूथ सेटअप करेंगे ताकि इन सारे ही लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए जाए सिटीजनशिप के लिए। एक सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि इन रेफ्यूजीज को कोई सरकारी कर्मचारी तंग ना करे, पर इस एडवांटेज को यूज करने के लिए बीजेपी को वो कन्फ्यूजन क्लियर करना होगा जो कई बांग्लादेशी हिंदूज में आ गया है बंगाल में इस एनआरसी और सीएबी के बारे में। रिपोर्ट्स के हिसाब से कई बांग्लादेशी हिंदूज नहीं जानते कि सीएबी का मतलब क्या है, और उनको डर है कि जिस तरह 5 लाख बंगाली हिंदूज के नाम नहीं थे असम के एनआरसी में, उसी तरह उनके भी नाम शायद ना हो नेशनल एनआरसी में। और शायद इसी कंफ्यूजन की वजह से बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी बंगाल के रीसेंट बायपोल्स में। अब इस शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एडवांटेज के अलावा कोई भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड बीजेपी को लॉन्ग टर्म में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो आरएसएस के लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में मदद करता है। अब हिंदूज में कोई सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं है, कई कैटेगरीज ऑफ आइडेंटिटीज हैं हिंदूज में। कुछ लोग एज अ बंगाली हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ एज अ अपर कास्ट हिंदू, और कुछ जैसे लिंगायत कर्नाटका में एज अ हिंदू भी नहीं आइडेंटिफाई करते। अब ये बीजेपी और आरएसएस की लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। वो बस एक सिंगल हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हर हिंदू एज अ हिंदू ही आइडेंटिफाई करे। अब इससे बीजेपी का क्या फायदा होगा? इससे जो कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं जैसे एसपी और बीएसपी, और स्टेट बेस्ड पार्टीज हैं जैसे डीएमके और बीजेडी, वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। ऐसा कैसे होगा, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यूपी में जो यादव्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो यूजुअली समाजवादी पार्टी के लिए वोट देते हैं, और जो दलित्स हैं, मेनली जातव्स पर ब्रॉडली दलित्स, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट देते हैं। कई गांवों में इन ओबीसीज और दलित्स के बीच में टेंशन होती है, चाहे समाजवादी पार्टी पावर में हो या फिर चाहे बहुजन समाज पार्टी पावर में। अब बीजेपी चाहती है कि दोनों ही दलित्स और यादव्स उनके लिए ही वोट दें, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? एक कॉमन एनिमी को क्रिएट करना जो मुस्लिम्स हैं। तो बीजेपी यादव के पास जा सकती है और बोल सकती है कि दलित हमारे दुश्मन नहीं है, मुस्लिम्स हमारे दुश्मन है। इसी तरह वो दलित के पास जा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि यादव तुम्हारे दुश्मन नहीं है, मुस्लिम्स तुम्हारे दुश्मन है। इससे बीजेपी एक प्रीमियर हिंदू पार्टी बन जाएगी, और हर हिंदू वोट डालने से पहले बीजेपी के बारे में ही सोचेगा।
इससे बीजेपी ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो जाएगी हर इलेक्शन के पहले। इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्शन हारना उनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। अब ये करना इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि इंडिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और दोनों ही बीजेपी और आरएसएस अभी भी अपर कास्ट डोमिनेटेड ही हैं। पर ये आरएसएस का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है और इसीलिए बीजेपी ऐसी हिंदू मुस्लिम टेंशन को बनाए रखना चाहती है। एनआरसी और सीएबी की एक और एडवांटेज है बीजेपी के लिए, वो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को मेंटेन कर सकती है। अगर आप सारे ही मेजर डिसीजंस के बारे में सोचोगे, नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी और कुछ हद तक आर्टिकल 370, तो उन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। पहले वो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड डिसीजंस हैं और जैसे रामा लक्ष्मी ने अपने आर्टिकल में बताया, ये सारे ही डिसीजंस एक तनाव क्रिएट करते हैं हमारे समाज में और जो पॉलिटिकल मैसेज दिया जाता है इन सारे ही डिसीजंस से वह कि हर भारतीय को सतर्क रहना होगा। सरकार नहीं ढूंढेगी कि कालाधन कहाँ है, आपको दिखाना है कि आपके पास कालाधन है या नहीं। सरकार नहीं ढूंढेगी कि इलीगल इमिग्रेंट्स कहाँ हैं, आपको दिखाना है कि आप इलीगल इमिग्रेंट हैं या नहीं। ये हमने देखा था जब पीएम मोदी ने एक स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की 70th एनिवर्सरी के लिए। संविधान में ही अधिकार की बात है और संविधान में ही कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा है। हर मोड़ पर हर भारतीय को एक इम्तिहान देना देशभक्ति का, बैंकों के आगे लाइन में रहने के दौरान, अपने टैक्सेस फाइल करने के दौरान, बालकोट एयर स्ट्राइक्स के दौरान और अब एनआरसी के दौरान आपको ये प्रूव करना है कि आप किस साइड में हैं। अब सिटीजन्स को एक्टिव करना कोई बुरी बात नहीं है, पर बीजेपी ने एक बाइनरी बना दिया है, या तो आप देश के साथ हैं या फिर आप देश के साथ नहीं हैं। और बीजेपी सरकार की मानो तो सरकार इक्वल टू देश, कोई अंतर ही नियम दोनों चीज़ों में। और इस देशभक्ति दिखाने के लिए आपके पास कई माध्यम है। आप फेसबुक पर अपनी DP चेंज कर सकते हैं, ट्विटर पर मैं भी चौकीदार ट्रेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने परिवार और दोस्तों के बीच। ये यूपीए रेजिम से बहुत ही अलग है। इसका एक फायदा ये है कि जब भी कुछ गलत होता है हमारे देश में तब उसका दोष पीएम मोदी पर नहीं जाता। अब नोटबंदी के बाद 99% नोट्स वापस आ गए, पर वो बैड प्लानिंग और बैड इम्प्लीमेंटेशन की वजह से नहीं है, वो कुछ एंटी नेशनल लोगों की वजह से है जिन्होंने सिस्टम इवेड कर दिया। इससे पीएम मोदी की इमेज साफ सुथरी ही रहती है और ऐसा ही शायद होगा एनआरसी से। अब ये मुश्किल है कहना कि ये एनआरसी और सीएबी की प्रोटेस्ट आगे तक कहां तक जाएंगी। अगर ये प्रोटेस्ट बहुत बढ़ गई तो हमारी सरकार क्या करेगी। तो हमने 5.5 सालों में देखा है सरकार के बारे में वो है कि कोई भी मेजर डिसीजन वो वापस नहीं लेते, क्योंकि उससे ये मैसेज जाता है कि ये सरकार बहुत कमज़ोर है जो वो नहीं दिखाना चाहते किसी को भी। पर ये तय है कि इन प्रोटेस्ट का हमारी सरकार इलेक्टोरली और पॉलिटिकली फ़ायदा ज़रूर उठाएगी।